श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे महाशिवरात्रि के व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही महादेव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्रत्येक भक्तों को प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य धन धान्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक भक्तों को महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेषतः इस व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। भगवान महादेव जी इतने दयालु हैं कि वह अपने भक्तगणों को हर क्षण अपनी कृपा से सराबोर रखते हैं। तब ऐसे में भक्तगणों को भी महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए कुछ प्रयत्न तो अवश्य ही करने चाहिए और महादेव जी की कथा का गुणगान करना, महात्म्य का श्रवण करना यह अनंत कोटि गुना पुण्य को देने वाला होता है। आइए सबसे पहले हम प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेते हैं और फिर महादेव जी की शिवरात्रि व्रत की कथा आरंभ करते हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते रुद्राय। पूर्व काल की बात है, चित्र भानु नामक एक शिकारी रहा करता था। जानवरों की हत्या करके वह स्वयं का तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता था। यह चित्रभानु एक साहूकार का कर्जदार था। नियत समय पर ऋण वह चुका नहीं पाया। तब साहूकार ने क्रोधवश आकर शिकारी को शिव मठ में ही बंदी बना लिया। संयोग से वह दिन शिवरात्रि की थी। वहां पर शिव से संबंधित धार्मिक बातें चल रही थी तथा शिव महात्म्य का पाठ चल रहा था। शिकारी बंदी बना हुआ था, अतः वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। ध्यान मग्न होकर के वह शिव से संबंधित धार्मिक बातों को ही सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते होते साहूकार ने चित्रभानु को अपने पास बुलाया तथा ऋण चुकाने के विषय में उससे बात की। इस पर शिकारी ने कहा, अगले दिन वह सारा ऋण निश्चय ही लौटा देगा। और जब उसने इस प्रकार का वचन दिया तब साहूकार ने उसे छोड़ दिया। साहूकार के बंधन से छूटते ही चित्रभानु अपनी दिनचर्या की भांति जंगल की ओर शिकार के लिए निकल पड़ा। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार की खोज करता करता वह काफ़ी दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तब उसने विचार किया कि लगता है रात्रि अब जंगल में ही व्यतीत करनी पड़ेगी। और वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल का वृक्ष था, उसी पर चढ़ गया और रात बीतने का इंतजार करने लगा। उस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो कि बेल पत्रों से पूर्ण रूप से ढका हुआ था। इस कारण शिकारी को इस बात का तनिक भी भान न लगा। पराव बनाते समय उसने जो टहनियां और पत्तियां तोड़ी, संयोगवश वे सभी शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार से दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया और संयोगवश ही शिवलिंग पर बेलपत्र भी अर्पण हो गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर वहाँ पर तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरणी पानी पीने के लिए पहुँची। शिकारी ने हिरणी को देखते ही धनुष पर तीर चढ़ाया और ज्यों ही प्रत्यंचा खींची तभी हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो कि कदापि ठीक नहीं है।
मैं वचन देती हूँ कि बच्चे को जन्म देने के बाद तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने यह सुनते ही प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में झटपट लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चराने तथा ढीली करने के वक्त अनायास ही हाथों में हरकत हुई, जिससे वृक्ष के कुछ बेल पत्र टूट कर शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार से शिकारी के हाथों अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद वहां पर से एक हिरनी और निकली। तब शिकारी अत्यधिक प्रसन्न हो गया। समय पाने पर उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। शिकारी को बाण चढ़ाते हुए देख करके हिरनी ने विनम्र पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर भी रहनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में इधर उधर भटक रही हूँ। शीघ्र ही पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगी, अतः मुझे जाने दो। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार अपने शिकार को अपने हाथों से खोकर के शिकारी का माथा ठनक गया और वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे सेठ का कर्ज चुकाना था। रात्रि का आखिरी पहर अब बीतने को था। इस बार भी धनुष के द्वारा पेड़ में लग गई, जिससे पेड़ से फिर कुछ बेलपत्र टूट कर शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार से शिकारी का अनजाने में ही दूसरे पहर का भी पूजन संपन्न हो गया। तभी वहां पर से एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ आ निकली। शिकारी के लिए यह अवसर स्वर्णिम था। उसने शिकार करने हेतु धनुष पर तीर चढ़ाने में थोड़ी सी भी देर ना की। जैसे ही शिकारी तीर छोड़ने वाला था, वैसे ही हिरनी देख पर बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों के साथ हूँ और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊँगी, इस वक्त मुझे जाने दो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए हुए शिकार को भला कैसे छोड़ दूँ, मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैंने दो बार अपने शिकार को खोया है, मेरे बच्चे भी भूखे प्यासे और अत्यधिक चिंता से भी दुखी हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे भी मुझे अपने बच्चों के लिए ममता है। तुम मेरा विश्वास करो, मैं निश्चय ही तुम्हारे पास लौट आऊँगी, बस इन बच्चों को पिता के पास छोड़ आऊँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर के शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल होकर के शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठे बैठे बेल पत्रों को तोड़ते तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और सभी बेल पत्र शिवलिंग पर गिरते ही जा रहे थे। अब पौ फटने को हुई, सुबह होने को हुई। तब उसने एक हष्ट पुष्ट मृग को उसी रास्ते पर आते हुए देखा। शिकारी ने उसी क्षण सोच लिया कि वह इसका शिकार अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनि प्रत्यंचा को देख करके मृग अत्यंत ही विनीत भाव में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले तीन मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तब मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग का दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ, यदि तुमने उन्हें प्राणों का दान दिया है, तब मुझे भी इतनी क्षण का दान दे दो कि मैं उनसे मिल पाऊँ। उनसे मिलने के बाद मैं निश्चय ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊँगा।
मृगे की इस प्रकार की बातों को सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। तब शिकारी ने सारी कथा मृग को कह सुनाई। इस पर मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार से प्रतिज्ञाबद्ध होकर के गई हैं, मेरी मृत्यु से वह अपने धर्म का निश्चय ही पालन नहीं कर पाएंगी। जिस प्रकार से तुमने विश्वास को करके उनको छोड़ा है, वैसे ही तुम मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने अति शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने इस भांति उसे भी जाने दिया और अब सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर अनजाने में ही बेल पत्र चढ़ाने से शिवरात्रि की पूजा उसकी पूर्ण हो गई। अनजाने में भी की गई पूजा का उस शिकारी को संपूर्ण फल मिला। शिकारी का हृदय अत्यंत ही निर्मल हो गया। उसकी हिंसक भावना भी बदल गई। शिकारी में भगवत शक्ति का वास हो गया, भगवत ज्ञान का संचार हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सब परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। लेकिन शिकारी जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, वास्तविकता और सामूहिक प्रेम भावना को देख करके गलानी से भर उठा। उसने संपूर्ण मृग परिवार को जीवन का दान दिया। अनजाने में भी शिवरात्रि का व्रत का पालन करने से शिकारी को कुछ समय के बाद जब मृत्यु की प्राप्ति हुई, तब उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। मृत्यु के उपरांत जब यमदूत उसके जीवात्मा को ले जाने के लिए आए, तब शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा उस शिकारी को वह शिवलोक की ओर ले गए। शिव जी की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को पूर्ण रूप से याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्मों तक भी पालन करते रहे। यह व्रत इतना अधिक प्रभावशाली है कि जाने अनजाने में भी यदि आपके हाथों भगवान भोलेनाथ की पूजा हो गई हो, जाने अनजाने में भी भगवान भोलेनाथ का नाम का स्मरण आपने किया हो, जाने अनजाने में भी भगवान भोलेनाथ के महात्म्य का श्रवण किया हो या फिर किसी अन्य को श्रवण कराया हो, सुनाया हो, हर व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, महादेव की कृपा प्राप्त होती है। निश्चय ही यह व्रत कथा जो भी श्रवण कर रहे हैं, उन पर महादेव की कृपा और माँ पार्वती की कृपा सदैव रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, क्योंकि धर्म ज्ञान बांटने से बढ़ता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव।